हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स जिन्हें छोटे छोटे पॉट में लगाकर हम कम स्पेस में काफ़ी सारे प्लांट्स रख सकते हैं। आजकल काफ़ी लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो उनके पास इतना स्पेस नहीं होता कि वो काफ़ी बड़े बड़े पॉट में प्लांट्स लगा सके। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ऐसे प्लांट जो छोटे से छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चलते हैं, और ये सभी प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत कम देखभाल की ज़रूरत होती है। ये प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें डेली पानी, खाद, बहुत ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में पहला प्लांट आता है मनी प्लांट। देखिए, मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है, एक एवरग्रीन प्लांट होता है। ये देखिए, छोटे से पॉट में मैंने लगाया हुआ है, और ये भी देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट पॉट नहीं है, इस छोटे से पॉट में लगाया हुआ है। इसकी मैं कटिंग करती रहती हूँ और ये मैंने बाउंड्री पे रखा हुआ है। तो मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चल जाता है, और बहुत ज़्यादा पानी की, खाद की इस प्लांट को ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट प्लांट है पेडेलेंथस या डेवल्स बैकबोन। देखिए, ये जो प्लांट होता है पेडेलेंथस का, ये भी छोटे से छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चलता है। बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं होती, बस 1-2 घंटे की धूप मिले तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। और ये देखिए, मैंने कितने छोटे छोटे पॉट में, छोटे ही से ही पॉट में इसको लगाया हुआ है। तो ये वेरीगेटेड वाला पेडेलेंथस का प्लांट है। एक पेडेलेंथस होता है जिसकी जो लीव्स होती है एकदम प्लेन ग्रीन कलर की होती है। नेक्स्ट प्लांट है वॉन्डरिंग ज्यू। वॉन्डरिंग ज्यू भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, और ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ये देखिए, पीछे से पर्पल कलर की होती है और आगे से पर्पल और ग्रीन कलर की लाइनिंग इसमें होती है। और इसमें जो ये वॉन्डरिंग ज्यू की काफ़ी सारी वेरायटी होती है, जिसमें लीव्स का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसे छोटे से पॉट में लगाकर सालों साल ही गार्डन में आपके बना रहेगा। आप इसे बालकनी में रखिए, इंडोर रखिए, कहीं भी बहुत अच्छे से ये चलता है। प्लांट है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो छोटे से पॉट में भी बहुत अच्छे से चलता है। देखिए, मैंने कितने छोटे पॉट में लगाया हुआ है, और देखिए कितना हेल्दी ये प्लांट है। स्पाइडर प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसे आप इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं, बहुत अच्छे से चलता है। और एक बार लगा लीजिए तो फिर इसमें से काफ़ी सारे बेबी प्लांट निकल आते हैं, जिसे आप सेपरेट करके काफ़ी अलग अलग पॉट में लगा सकते हैं, और हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए, मैंने छोटे छोटे पॉट में काफ़ी सारे जगह ये स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। और ये देखिए, मैंने टोपियारी ये बनाई हुई है, और इसमें बुद्धा जी बैठे हुए हैं, और देखिए उनके कॉर्नर पे मैंने देखिए जो ट्रे गार्डन टाइप सा बनाया हुआ है। एक देखिए, ये कितना छोटा पॉट है, मेरे ख्याल से 3-4 इंच का ही ये पॉट होगा। इसमें भी स्पाइडर प्लांट कितना अच्छे से चल रहा है। तो स्पाइडर प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो छोटे से पॉट में बहुत अच्छे से चल जाता है। तो आप किसी भी छोटे पॉट में लगाइए, या जैसे से कोई ट्रे गार्डनिंग आप करते हैं तो उसमें किसी कॉर्नर पे स्पाइडर प्लांट लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत अच्छे से ये छोटे से छोटे पॉट में चल जाता है। नेक्स्ट प्लांट है अरेलिया। अरेलिया भी एक ऐसा प्लांट होता है जो छोटे से पॉट में बहुत अच्छे से चलता है, और बहुत खूबसूरत ये प्लांट लगता है। इसको भी बस 1-2 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी होती है, फिर इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर और डेली पानी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अरेलिया की भी काफ़ी सारी वेरायटी होती हैं। ये इसकी वेरीगेटेड डाब वेरायटी है, जो एक नॉन वेरीगेटेड वेरायटी होती है जिसकी जो लीव्स होती हैं एकदम प्लेन ग्रीन कलर की होती हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। तो अरेलिया की कोई सी भी वेरायटी आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने मेरा जो ये अरेलिया का प्लांट लगा है, बहुत बड़ा पॉट नहीं है और कितने अच्छे से ये चल रहा है। नेक्स्ट प्लांट है एग्लोनीमा। एग्लोनीमा भी एक ऐसा प्लांट है जो छोटे से छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चल जाता है। ये देखिए, पिंक एग्लोनीमा है, एक ग्रीन एग्लोनीमा आता है, काफ़ी सारी एग्लोनीमा की वैरायटी होती है। कोई सा भी एग्लोनीमा आप छोटे पॉट में लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से ये चलता है। ये इंडोर प्लांट है और इसे आप बालकनीज में रख सकते हैं, और ये आउटडोर रख रहे हैं इसे तो ऐसी जगह रखिए जहाँ सिर्फ 1-2 घंटे की ही धूप आती हो। प्लांट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी एक ऐसा प्लांट होता है जो छोटे से छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चल जाता है। स्नेक प्लांट की ये डाब वैरायटी है और ये टॉल वैरायटी है। तो टॉल वैरायटी भी छोटे पॉट में चल जाती है, और जो स्नेक प्लांट की डाब वैरायटी होती है वो भी छोटे पॉट में बहुत इजीली चल जाती है। ये देखिए, मेरा ज़्यादा
बड़ा पॉट नहीं, और कितने अच्छे से ये चल रहा है। ये देखिए जी, एक जो स्नेक प्लांट होता है, एक ये वाली वैरायटी होती है जिसकी जो लीव्स होती हैं ग्रीन होती हैं, और दूसरी जिसकी जो ये बॉर्डर ये येलो कलर का होता है। तो स्नेक प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो छोटे से पॉट में लगाकर आप सालों साल अपने घर में रख सकते हैं, और बहुत अच्छा प्लांट होता है, और ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट होता है। नेक्स्ट प्लांट है जेट प्लांट। जेट प्लांट भी एक ऐसा प्लांट होता है जो छोटे से छोटे कटिंग से इजीली लग जाता है, और छोटे पॉट में बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। ये देखिए, मैं जब भी अपने जेट प्लांट की कटिंग करती हूँ, किसी भी पॉट में लगा देती हूँ, तो इस तरह से काफ़ी सारे ये प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो और इनके जेट प्लांट को भी बस 2-3 घंटे की धूप काफ़ी होती है, डेली पानी की, फर्टिलाइजर की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जेट प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो छोटे पॉट में कम देखभाल में सालों साल चलता है। प्लांट है पर्चुल का। पर्चुल का भी एक ऐसा प्लांट है जिसे आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। ये देखिए, मेरे छोटे से पॉट में लगा हुआ है, और कितने अच्छे से ये फ्लावरिंग भी कर रहा है। इस समय जैसे विंटर्स हैं तो इसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है, और जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इस समय चूँकि हल्का हल्का ठंड है तो कुछ कुछ फ्लावरिंग हो रही है, इसमें कुछ फ्लॉस आ रहे हैं, और देखिए ये बर्ड्स भी बन रही है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। तो पर्चुल का भी एक ऐसा प्लांट है जिसे छोटे पॉट में आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी एक ऐसा प्लांट होता है जो छोटे से छोटे पॉट में अच्छे से चलता है। ये देखिए, मैंने ये एक्चुअली एक ही ब्रांच हो रही थी और बहुत लंबी हो रही थी, तो मैंने इसको कटिंग करके इसी पॉट में लगा दिया है। तो यहाँ से देखिए ये स्प्राउट्स निकल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये नहीं, इसमें स्प्राउट्स निकलने लगे हैं। तो इस सॉन्ग ऑफ इंडिया भी एक ऐसा प्लांट होता है जो छोटे से छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चलता है। तो इसे भी आप छोटे पॉट में लगा के अपने बालकनीज में, या इसे इंडोर भी आप रख सकते हैं, बहुत सुंदर ये लगता है। इसकी लीव्स बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया भी एक ऐसा प्लांट है जिसे छोटे से छोटे पॉट में आप लगा सकते हैं। प्लांट है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी एक ऐसा प्लांट है जो छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चलता है, और इसमें देखिए लाइट ये पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, बहुत खूबसूरत ही लगता है। तो पर्पल हार्ट भी एक बड़ा लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बहुत खूबसूरत लगता है। ये हैंगिंग बास्केट पर भी बहुत सुंदर लगता है, उसमें ये जब फ्लावर्स आते हैं तभी बहुत ही सुंदर लगता है। नेक्स्ट प्लांट है पीस लिली। पीस लिली भी एक ऐसा प्लांट है जो छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चलता है। ये एक इंडोर प्लांट है, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, और इसमें व्हाइट कलर का फ्लावर आता है। बहुत सुंदर ये प्लांट लगता है, और इसकी जो देखिए लीव्स होती हैं ये भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। और एक बार आप पीस लिली का प्लांट ले आइए, फिर आप देखेंगे कि एक ही पॉट में काफ़ी सारे इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं, बेबी प्लांट। देखिए ये जैसे ये मेरा काफ़ी पुराना है, और ये देखिए इसमें मैंने एक ही नर्सरी से ला के लगाया था, और इसमें देखिए एक ही छोटा सा प्लांट ये आ रहा है, और दो प्लांट इस तरह से ये तैयार हो रहे हैं। तो पीस लिली भी एक ऐसा प्लांट है जो छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चलता है, बहुत खूबसूरत फ्लावर इसमें आता है। इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, जैसे ये समर में तो आप 7-8 दिन में एक बार पानी दीजिए, और विंटर्स में 15 डेज में एक बार पानी देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। किसी भी कोई खास फर्टिलाइजर वगैरह की रिक्वायरमेंट इस प्लांट को नहीं होती। इसे इंडोर रखिए, बहुत कम सनलाइट में, इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो वहाँ आप इसको रखिए, बहुत खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट प्लांट है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो छोटे से छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चलता है। देखिए, मैंने इसमें नीचे गांठ जैसी होती है जिसे राइजोम कहते हैं, जब एक बार आप जीजी प्लांट लगाते हैं तो उसे पॉट में छोटे छोटे काफ़ी सारे बेबी प्लांट निकल आते हैं, जिन्हें सेपरेट करके आप नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो जीजी प्लांट भी एक बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है, इसे छोटे से छोटे पॉट में आप लगा सकते हैं, और बहुत अच्छे से ये चलता है, और बहुत खूबसूरत इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत सुंदर लगती हैं। इसे तो आप 1-1 महीने भी पानी नहीं दीजिए तब भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। ये प्लांट ओवर वाटरिंग की वजह से ही खराब होता है। नेक्स्ट प्लांट है बेबी सनरोज़। बेबी सनरोज़ भी एक ऐसा प्लांट है जो छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चलता है, और यदि आपकी बालकनी वगैरह में इस प्लांट को आप रख रहे हैं, धूप आती है तो अच्छा है, वरना इस प्लांट को 2-3 घंटे की धूप चाहिए ही होती है। और इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं, रेड और पिंक कलर का फ्लावर आता है। देखिए ये अभी फ्लावर पोजन पर लाया था, स्पेंट हुआ रखा है, और ज़्यादा जब ठंड पड़ती है उसी समय इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, वरना पूरे साल इसमें फ्लावरिंग होती है।
फ्लावर्स नहीं भी आए तो भी इसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, एकदम मोटी मोटी ग्लॉसी लीव्स होती हैं। तो बेबी सन रोज का प्लांट भी आप छोटे पॉट में लगा सकते हैं, ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत खूबसूरत लगता है। यदि आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो हैंगिंग बास्केट में इस बेबी सन रोज का प्लांट लगा सकते हैं, बहुत सुंदर ये प्लांट लगता है। प्लांट है ये फोर्बिया मिली की डा वेराइटी है, और एक इसकी टॉल वेराइटी आती है। तो ये फोर्बिया मिली की डा वेराइटी और टॉल वेराइटी दोनों ही आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करता है। ये देखिए मैंने छोटे से पॉट में लगाया हुआ है और बहुत अच्छे से ये चल रहा है। इसको भी आप, ये एक आउटडोर प्लांट है तो यदि आपकी बालकनी में 1-2 घंटे की धूप भी आती है तो भी ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। प्लांट है पेप्रोमिया, पेप्रोमिया भी एक ऐसा प्लांट है जो छोटे से पॉट में बहुत अच्छे से चलता है। इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं। ये वेरीगेटेड पेप्रोमिया का प्लांट है, एक नॉन वेरीगेटेड आता है जिसकी जो लीव्स होती हैं प्लेन ग्रीन कलर की होती हैं। इसकी लीव्स बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही खूबसूरत होती हैं। तो पेप्रोमिया का प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो छोटे पॉट में आप लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसको बहुत ज़्यादा धूप की, पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यदि आप इसे इंडोर रखते हैं तो भी बहुत अच्छे से चलता है, या बालकनी में, या आउटडोर आप इसको रखते हैं तो ऐसी जगह रखिए जहाँ सिर्फ 1-2 घंटे की ही धूप इस प्लांट को मिले। नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम। सिंगोनियम भी एक बहुत सुंदर प्लांट है जिसे छोटे से छोटे पॉट में आप लगा सकते हैं। ये तो मेरा देखिए काफ़ी बड़ा हो गया था तो मैंने इसे थोड़े बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया, पहले ये छोटे पॉट में लगा हुआ था। सिंगोनियम एक ऐसा प्लांट है जिसे 1-2 घंटे की ही धूप मिले तो भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। आप इसे इंडोर रखते हैं तो इंडार ऐसी जगह रखिए जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, तो बहुत अच्छे से ये चलता है। ये देखिए मैंने छोटे पॉट में भी इसको लगाया हुआ है। तो ये सिंगोनियम भी एक ऐसा प्लांट है जो छोटे से छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चल जाता है। और ये एक बार प्लांट लगाइए फिर एक में ही देखिए ये कितने सारे प्लांट्स निकल आते हैं, जैसे आप सेपरेट करके अलग पॉट में भी लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत ये लगता है। तो सिंगोनियम भी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे छोटे पॉट में लगाकर आप बालकनी में या इंडोर वगैरह रख सकते हैं। प्लांट है पिकॉक जिंजर। पिकॉक जिंजर भी एक ऐसा प्लांट है जो छोटे से छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चल जाता है। और ये देखिए मैंने बहुत छोटे पॉट में लगाया हुआ है। तो पिकॉक जिंजर में लाइट पर्पल कलर के फ्लॉवर्स आते हैं, बहुत सुंदर ये लगता है। और पिकॉक जिंजर का प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो छोटे से छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चल जाता है। ये देखिए इस तरह का ये लाइट पर्पल कलर का फ्लावर आता है, और इसकी जो लीव्स होती हैं ये भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो पिकॉक जिंजर का प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जिसे छोटे से छोटे पॉट में आप लगाकर अपनी बालकनी में या अपने गार्डन में रख सकते हैं। प्लांट है कोलियस। कोलियस भी एक ऐसा प्लांट है जो छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चलता है। कोलियस की काफ़ी सारी वेराइटीज होती हैं। तो कोलियस भी एक ऐसा प्लांट है जिसे आप छोटे से पॉट में लगाकर अपने घर में या बालकनी वगैरह में रख सकते हैं, बहुत कलरफुल इसकी लीव्स होती हैं, बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला ये एक प्लांट होता है। नेक्स्ट प्लांट है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो छोटे से पॉट में बहुत अच्छे से चलता है, बहुत ज़्यादा पानी खाद की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो रबर प्लांट भी आप छोटे से पॉट में लगा सकते हैं। प्लांट है ड्रेसिना। ड्रेसिना भी देखिए छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चलता है। ड्रेसिना की काफ़ी सारी वैरायटी होती हैं। ये देखिए लाइट पर्पल कलर की इसकी लीव्स होती हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लगता है, और छोटे से पॉट में बहुत अच्छे से चलता है, बहुत ज़्यादा पानी खाद की रिक्वायरमेंट इस प्लांट को नहीं होती है। देखिए एक वैरायटी ये होती है, और इसकी जो लीव्स होती हैं देखिए ग्रीन कलर की होती हैं और इस पर इस तरह से लाइनिंग से बनी होती हैं। तो ड्रेसिना की जो लाइट पर्पल कलर के ये जो फ्लावर वाले लीव्स वाले प्लांट होते हैं और ये ग्रीन वाले दोनों ही छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चल जाते हैं। तो ड्रेसिंग अभी आप छोटे पॉट में लगा के अपने बालकनी में या अपने गार्डन में रख सकते हैं। इस तरह छोटे छोटे पॉट में आप काफ़ी सारे प्लांट्स, छोटे ही कम ही स्पेस में काफ़ी सारे प्लांट्स लगा सकते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत कम देखभाल में चलने वाले ये प्लांट्स होते हैं। तो देखिए हमने आज आपको काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स बताए जो छोटे से छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और प्लांट्स से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।